ज़ुबा रही बसमर रहीमल महम्मद वाल महमद कमा सल अला इब्राहिम वालब्राहिम इनका हमद मजीद अल मुबारक अला महम्मदा अला महमद कमाबारक ता अब्राहिम वालब्राहीम इन्मिद मजीद असलम नज़िम लाइन आप देख रहे हैं चैनल ट्रैवल विद फैसल मीर और सस्ता बाज़ार इस वक्त मौजूद है जी जीए आटोज दोबारा से यहाँ पर आए हैं काफ़ी सारी चीज़ें टूरिंग से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे न्यू आई हैं वो आप तक उसका रिव्यू लेंगे और आप तक भी बचाएंगे जो दोस्त बाइक पर टूर्स टूर्स करते हैं लॉन्ग टूर करते हैं नॉर्दर्न एरिया कराची या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में दूर से दूर ट्रेवल करते हैं उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मजीद आई हैं न्यू आई हैं उनका रिव्यू आप तक आज पहुँचाते हैं हम और इनके जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं आप किसी भी शहर में रहते हैं आपको घर बैठे चीज़ पहुँच जाएगी और सी के साथ यानी कि कैश ऑन डिलीवरी के साथ आप कैश डिलीवरी जब आपको मिले तब आप कैश दें तो ये सहूलत इनकी तरफ से दी गई है आप नंबर इनके नंबर पर डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं आप सब सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारा साथ दीजिए मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें आइए वीडियो की तरफ चलते जी राजन जैसा कि इस वक्त जिया आटोज पे ही बैठे हैं और यहाँ पे काफ़ी नए गैजेट्स जैसे आपको मैं बता चुका हूँ काफ़ी नए गैजेटेटेट्स आए हैं टूरिंग से रिलेटेड वो भी आपको दिखाते हैं और आपको बताते चलें कि अगर आप चैनल का स्क्रीन शॉट लेकर इन्हें भेजेंगे और इनसे कोई चीज़ डिमांड करेंगे लेने लेनी होगी आपने खरीदनी होगी परचेज़ करनी होगी तो इन शाह उम्मीद है कि आप जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उन्हें ये मज़ीद कोई डिस्काउंट करेंगे जी जी ज़रूर जो भी आपके चैनल के रेफरेंस से हमारे पास कोई भी स्क्रीनशॉट भेजेंगे या कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उनको हम ज़रूर कोई ना कोई जो भी फेवर पॉसिबल होती होगी एक्स्ट्रा फेवर जो होती होगी वो उनको ज़रूर देंगे क्योंकि आप लोग माशा मेहनत करते हैं कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं वीडियोज़ बनाते हैं उनकी एडिटिंग करते हैं उस पर मेहनत करते हैं तो आप लोगों के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका हक बनता है कि आपकी मेहनत का उनको कोई फल मिले तो वो इनशाला हम उनको जरूर कोई फेवर जो पॉसिबल होगी वो जरूर देंगे नहीं जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको बताते चले कि बाजार से वैसे भी इनका रेट जो है चीजों का मुनासिब है थोड़ा सा कम ही होता है लेकिन आप चैनल के थ्रू अगर आएंगे और स्क्रीन शॉट भेजेंगे तो इनशाला मजीद जो है वो डिस्काउंट आपको मिलेगा इन जी जैन भाई क्या क्या चीजें आज टूरिंग से रिलेटेड क्या जी क्या नई चीज़ें अच्छा टूरिंग के हवाले से ना मैं आज कब सारी गैजेट्स आप मेरे पीछे लाइनअप देख रहे होंगे चीजों का तो ये इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि जो भी बाइकर हज़रा टूर पर जाते हैं उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम अगर फेस होती है तो उनको ये गैजेट्स बड़ा हेल्प आउट करते हैं चीज़ों में काफ़ी उनको आसानी होती है प्रॉब्लम्स को फेस करने में पहले एक में नेचर सा हमारे पास फुट पम्प है अक्सर टायर की हवा निकल जाती है या आपको पंक्चर किट आपके पास है आप पंक्चर लगाना चाहते हैं तो हवा भरने का एलिमेंट बड़ा होता है वो हाथ वाला जो पंप होता है ना वो काफ़ी आप मतलब आपको तंग करता है हवा भरते हुए आप थक जाते हैं उसको हवा भर भर के तो उसके लिए एक फुट पंप इंट्रोड्यूस कराया जी

आपकी डिवाइस आपको जे डी बॉक्स आपका लगा हुआ है बाइक के ऊपर कोई आप कैरी स्पेस आपके पास अगर है तो उसके अंदर ये थोड़ी सी स्पेस लेकर आपके लिए बड़ी एक हैंडी चीज़ है बड़ी बेहतरीन चीज़ है बिल्कुल ऐसी इसके चीज़। बाद जो है ना मैं आपको उस चीज़ का बताता हूँ कि जो कि आपके ये मैनुअल इनपुट है ना जो आपकी पाँव से आपने हवा भरनी है उससे भी आपकी जान छूट जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ चुकी हैं उनका मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक पंप है एयर इन्फ्लेटर के लिए

अक्सर हजरात को चार्जर्स की जरूरत पड़ती है तो देख रहे हैं दो यूएस बी पोर्ट है इसमें यहाँ पर वोल्ट मीटर आता है वोल्टेज बताता है आपकी बैटरी के ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ से सिग्नल लाइटर ये स्मोकर्स के लिए भी है और अगर कोई भाई स्मोकर्स, स्मोकर नहीं है तो वो क्या करेंगे इस पोर्ट को यूज करेंगे अपने टायर इन्फ्लेटर के लिए ठीक हो गया ठीक है इस चीज़ को आप यूज करते हुए अपने इन्फ्लेटर को पावर ऑन कर लेंगे तो ये छोटी बैटरी पे सही चलेगा ये किसी भी बैटरी पे सही चलेगा इसका पर्पज क्या है कि जी आपको एक हैंडी मोबाइल चार्जर दे देना और सिग्नल लाइटर आप स्टार्ट बाइक के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं छोटी बैटरीज के लिए और अगर आपकी बड़ी बाइक है पांच एम्पेयर दस एम्पेयर या सात एम्पेयर आपकी बैटरीज हैं तो आप इसको बंद बाइक के ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हैं आपकी बैटरी को कोई लॉस नहीं देगा ये किसी किस्म का मेरा मकसद पूछने का इन्वेटर से ताकि इन्वेटर जो है छोटी बैटरी पे आपने वही ये जो सिग्नल लाइटर वाला सूल है कि आपने छोटी बैटरी पे जब भी आपने इसको यूज करना है तो आप कोशिश करें अपनी बाइक को स्टार्ट कर लें और बड़ी बाइक पे इसका कोई लोड नहीं खास तकरीबन टू तो ट्वेंटी थर्टी वॉट लोड लेता है प्रैक्टिकल लोड जो इसका है इसके बाद क्या है इसमें जो नोजल दी गई है आपने इसको इसके ऊपर लगा देना है लगाने के बाद यहाँ से आपने अपना टायर लगा देना है इसको आपने यहाँ से कोट लगा देनी है और अपने सिग्नल लाइटर में लगा देना है फिर इसको ऑन करने पर ये चल पड़ेगा और आपको जितनी रिक्वायर्ड हवा भर रहे हैं वो उतना बता देगा उसके बाद आप इसको उतार दें

बताती है कि जी आप हवा कितनी भर रहे हैं अब सेम चीज मेरे पास डिजिटल में भी अवेलेबल है डिजिटल में इसी तरह उसका एक सिग्रेट लाइटर बोर्ड बेस आ गया जिस तरह मैंने आपको पहले सिगरे लाइटर चार्जर से बताया था कि उसने ऑपरेट होना है उसी तरह ये भी ऑपरेट होगा इसके साथ भी बैग और इसका वेल्ट सारा दिया गया अब इसमें मजे की चीज़ क्या है डिजिटल है ये डिजिटल है डिजिटल में क्या है आपने जितनी हवा टायर के अंदर भरनी है उसको आपने सेट कर देना है सेट करने के बाद जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये उतनी हवा पे जाके रुक जाएगा मैनुअल जो था वो चलता रहता है हवा सीड करता रहता है आपकी लिमिट से इस पे जो लिमिट आप सेट करेंगे उस पर जाके ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद आपने इसको बटन बंद करके इसको रिमूव कर देना है और आपकी बाइक के टायर में हवा भर देगा एक्यूरेट पीएसआई में भी भर देगा और किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब में भी दोनों यूनिट दोनों हैं ऑप्शन है फिर इसके साथ नोजल्स वगैरह सारी फिर इसके साथ भी अवेलेबल है कि आपने कोई फुटबॉल में हवा भरनी है या आपने किसी बलून में हवा भरनी है या कोई और एसेसरी के लिए आपने इसको यूज करना है इसके साथ भी नोजल्स अवेलेबल है बहुत जबरदस्त चीज़ है और इनकी प्राइसेस आप इंशाल्लाह कोशिश तो है कि प्राइस बताई दें लेकिन प्राइसेस का बड़ा इशू आता है प्राइसेस ना फ्लक्चुएट कर रही हैं आजकल पाकिस्तानी मार्केट में डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से तो प्राइसेस है इस कि आपने स्क्रीनशॉट भेजनी है मेरा नंबर नीचे मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में कोई भी चीज आपको चाहिए इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हूँ मैं व्हाट्सएप पर आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं और आपको उनका टाइमली आपको रिस्पॉस भी मिल जाएगा अब अक्सर बाइकर्स को बड़ा मसला आता है बाइक चलाते हुए विजन का बड़ा इशू होता है साइड विजन साइड व्यू मिरर से आपको विजन नहीं अच्छा आ रहा होता आप कहते हैं कि जी आपको वाइड एंगल व्यू चाहिए आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए एक बड़ी प्यारी चीज आई है कि आपने डबल टेप से अपनी बाइक के साइड मिरर के ऊपर ये इस तरह लगा देना है और इसके ऊपर जो आप चीज देखेंगे ना आपको इनशाला मजा आएगा ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर है थ्री सिक्सटी डिग्री ब्लाइंड स्पॉट मिरर है कंकेव लेंस होता है ये ये आपको दिखा रहा होता है कि आपके पीछे एक वाइड व्यू दिखा रहा होता है कि कई ब्लाइंड स्पॉट ऐसे होते हैं बाइक चलाते हुए कि आपको पीछे से पता नहीं चलता कि कोई बाइक आ रही है कोई गाड़ी आ रही है तो एक्सीडेंट का चांसेस इसके बहुत आपके रिड्यूस हो जाएंगे और आपको अपनी बाइक की बड़े अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि आप बाइक किस वेयर अबाउट में चला रहे हैं और आपको आगे पीछे का पूरा आइडिया होगा और उसमें आपको परेशानी नहीं होगी किसी किस्म की आप बड़ा क्लियर और बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बाइक चला सकते मैं तो ये जरूर लगाऊंगा क्योंकि मैं टूरिंग के लिए मने जाना होता है तो ये ये, का सेट है सेट और इसके साथ पूरी डबल टेप वगैरह टेप इसके ऊपर लगी हुई है ये काफी मजबूत बड़ी अच्छी टेप है एक दफा आप लगाएंगे इनशाला साफ करके लगाना है किसी पॉलिस्ट एरिया पे नहीं लगाना कोई ऑयल ना लगा वो चीज के ऊपर बिल्कुल क्लीन करके टावल के साथ आप इसके ऊपर लगा देंगे तो ये कभी उतरता नहीं है और ये गिरेगा भी नहीं इंशाल्लाह बड़ी जबरदस्त चीज़ है ये क्वालिटी वाइज हमने इसको चेक किया है टेस्ट भी किया है ये कोई परेशानी नहीं आपको इसमें मिलेगी इसके बाद मैं आपको साइड मिरर्स की क्योंकि बात चल रही थी तो वाइड एंगल साइड मिरर्स बड़े जरूरी हैं टूरर्स के लिए बाइकर्स के लिए एक बड़ी ही प्यारी कलेक्शन हमारे पास आई है और लिमिटेड स्टॉक है ये साइड मिरर्स अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त व्यू आपको प्रोवाइड करते हैं बाइक के लिए इसमें हमारे पास वाई बी आर के लिए जीएस के लिए सी जी वन टू फाइव के लिए जी आर के लिए हर बाइक के लिए और इसकी लुक्स अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त है और साइड मिरर में अक्सर आ जाता है कि कुछ अर्से बाइक है, है उसकी लगते है जी जी काफी तो लगता है सी जी वन पे बड़ा प्यारा लगता है।, है।, है, है लगा हुआ अच्छा प्रॉब्लम आती है कि कुछ अर्से बाद ना साइड मेरा ढीले हो जाते हैं उसमें शेक आना शुरू हो जाता है और वो बहुत अजीब से मतलब लटक जाते हैं अजीब सा सेटअप हो जाता है तो इस साइड मिरर में अगर आप फैसल भाई दिखा सके आपको तो इसमें तीन पेज दिए गए कि जब आपको लगे आपका साइड मिरर लूज हो गया तो आपने इन पेचों को थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेना और आपका साइड मिरर फिर टाइट हो जाएगा प्रॉपर अपनी जगह पर आ जाएगा और और इसमें और शेक किसी तरह का नहीं रह जाएगा रबड़ का बूट दिया गया इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का ताकि किसी भी तरह के वेदर प्रूफिंग के मामला इसके अंदर ना हो वेदर से रिलेटेड कोई जंग वगैरह इसको ना ना लगे लगे बहुत बेहतरीन चीज है ये सेट भी हमारे पास अवेलेबल है साइड मिरर्स का ये टू पीस का सेट है इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्राइस अठारह सौ रुपए का पेयर है इसमें वाई बी आर और सुजुकी वाई बी आर होगी और सुजुकी जी आर होगी उसमें उल्टी चूड़ी का एक कॉन्सेप्ट आता है कि डिस्क वाली साइड की चूड़ी उल्टी होती है तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि उसमें मूव फिर उसको सीधा करवाएं फिर जाके शीशा लगाएं हमारे पास ये वाई बी आर और सुजुकी के जैनवन थ्रेड में अवेलेबल है आपने सिर्फ पर बाई करना है और इंस्टॉल कर देना है कोई ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि बाइक जो जनवन होती है वो जैनवन हालत में ज्यादा बेहतर होती है उसको छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करनी चाहिए कोई ताकि बाद में भी आप उसके जनवन शीशे भी कभी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकें फिर मेरे पास साइड मिरर्स के सेक्शन में ये एक और बड़ा ज़बरदस्त इसको बी के साइज मिरर्स कहा जाता है ये बी एम की जो ट्रेल बाइक्स हैं एडवेंचर टूरिंग बाइक्स हैं उसके लिए ये उससे डिज़ाइंड है उसकी तरह के हैं और इसमें जो खूबसूरत चीज़ आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी सारे बुशेस निकाल के रखे हैं अब इशू आता है कि जी जो आपकी सुजुकी है उसमें भी दो मॉडल हैं किसी में 12 के नंबर की चूड़ी लगती है किसी में 14 नंबर की चूड़ी लगती है सेम एज़ फॉर वाई एक उल्टी चूड़ी होती है सीधी चूड़ी होती है इसमें हर तरह के बुश अवेलेबल हैं और साइड मिरर में क्या है कि जी पॉइंट एडजस्टेबल साइड मिरर यहाँ से भी एडजस्ट हो जाता है फिर उसके बाद इसका एंगल यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और नीचे इसके बुश लग जाता है तो यहाँ से भी आप एंगल एडजस्ट कर सकते हैं बहुत जबरदस्त चीज है बड़ी बेहतरीन चीज है और ये सिक्सटीन हंड्रेड में आपको मिलेगी ये इसमें ये एडजस्टमेंट होती है क्या आप अपने मिरर को जहां मर्जी एडजस्ट कर लें और इसके रॉड को आप जितना मर्जी लंबा कर लें ये देखें इसका रॉड लंबा भी हो जाता है इस नट को आपने टाइट कर देना रॉड आप अपना अपनी लेंथ के हिसाब से लंबा भी कर सकते हैं

बहुत जबरदस्त डिवाइस है कोसो कंपनी की डिवाइस है इसमें आपको डिग्री सेंटीग्रेड और वोल्टेज नजर आ रहा है साथ में एक यूएसबी चार्जर आपको नजर आ रहा है ये आपको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बताएगी बाइक की बैटरी के वोल्टेज बताएगी और साथ में आपको यूएसबी चार्जर की सपोर्ट देती है इसका मैं डेमो आपको जल्दी से दे देता हूँ इसमें एक ऑन ऑफ का स्विच भी दिया गया साइड पे ये देख रहे हैं आप स्विच इस स्विच को ऑन ऑन करेंगे तो ये देखें जी इस टाइम बता रहा है कि जी हमारी दुकान में 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 0.5 12.5 वोल्ट हमारे 12.4 वोल्ट हमारे बैटरी के आ रहे हैं साथ आपको यूएसपी चार्जर मिल जाता है ये बड़ी प्यारी लगती है डिवाइस आपकी बाइक पे लगी हुई है उसके लुक्स को भी इनहांस करती है और आपको बैटरी के वोल्टेजेस भी बता रही होती है टेम्परेचर भी बता रही होती है आपको इन्फ्रोग्राफिक्स मिल रहे होते हैं उसके ऊपर है। इसकी प्राइस अपनी बैटरी के कंसर्न होते हैं उनकी बैटरी के वोल्टेज कितने हैं उनको इस बारे में इसकी मा, मालूम मिलती रहती हैं फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जबरदस्त किस्म का वायर लॉक है ये पहले भी हमारी वीडियोस में चल रहा था ये शॉर्ट हो गया था फिर अवेलेबल हुआ है ये जी कॉम्बिनेशन वायर लॉक है मेटल में बना हुआ है चेन में और उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है कि उसकी आपकी बाइक को कोई वो उसकी बॉडी पे जो स्क्रैचेस ना डाले चेन ठीक है इसमें क्या है जी आप इसको जीरो 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 इसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है आप इसको लगा कर पासवर्ड चेंज कर देंगे तो लॉक हो जाएगा और ये लॉक कोई नहीं खोल सकता उसके बाद क्या है जब आप इसका पैटर्न लगाएंगे तो आप इसको खोल सकते हैं इसका पैटर्न आप सेट भी कर सकते हैं इसको ओपन हालत में आप इसकी गिरारी को घुमाएंगे जो भी पैटर्न आप रखते हैं वन 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 रख देते हैं तो इसका नया पैटर्न ये हो जाएगा ठीक है इसको आपने लॉक कर देना है आप इसका नया पासवर्ड जो है आ, ट्र, पेंटा पेंटा है ट्रिपल पेंटा पेंटा फाइव वन इसका पासवर्ड ये देखने ये देख भी बहुत ज़बरदस्त चीज है ये दो हजार में मिलेगा भाइयों को बहुत जबरदस्त चीज है और इसकी अगर मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो छह हजार से पैंसठ सौ रुपए का वायरल है लेकिन ये आपको दो हजार का मिलेगा जी ऑटो पर जबरदस्त बहुत ज्यादा फिर हेलमेट्स पर जब भी आप टूर करते हैं तो आपकी विजिबिलिटी नहीं होती जी टी रोड के ऊपर तो आपका क्या है ट्रकर्स आ रहे होते हैं बसेस आ रही होती हैं उनको बाइकर जाता हुआ नजर नहीं आता क्योंकि वो हाइट पर बैठे होते हैं काफी तो उसके लिए क्या है जी कि हमने छोटी छुट छोटी लाइट्स हैं हमारे पास रिचार्जेबल लाइट्स हैं एयरक्राफ्ट लाइट इसको कहते हैं टू फिफ्टी रुपीज़ की लाइट है सिर्फ ये आपके हेलमेट के पीछे डबल टेप से इसके साथ सारी ये रबर्स और इसकी सारी चीज़ें आती हैं उससे लग जाएगी उसके बाद क्या आप इसमें मोड चेक करते हैं आप ठीक है इसमें वाइट लाइट है रेड लाइट है वाइट उसके बाद सेवन कलर्स इसके अंदर हैं और मुख्तलि तरह के फ्लैशर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं ठीक है ये आपकी रोड विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आपके हेलमेट के पीछे लगा लें बाइक पर किसी जगह पर जहां पर आप वायरिंग करके कोई लाइट नहीं लगाना चाह रहे विदाउट वायरिंग आप ये लाइट लगा लें पंद्रह मिनट के चार्ज पे चार घंटे ये लाइट चलती है और बड़ा जबरदस्त इसकी लाइट भी बहुत तेज है और आप ये देख रहे हैं बहुत जी अच्छी जी। इसकी विजिबिलिटी बनती है बड़ी जबरदस्त आप जलाईगा ये देखें जी ये देखें जी इसकी लाइट बहुत जबरदस्त लाइट है इसकी और इसके अंदर थर्टी टू मोड्स हैं टोटल मुख्तलिफ तरह के स्ट्रोब फ्लैशर इसके अंदर अवेलेबल तो में मिलेगी लाइट मेरे भाइयों को उसके बाद इसी का एक नया वेरियंट भी आ चुका हुआ है जो कि रिमोट से चलती है आप देखें आपके हेलमेट के पीछे लगी हुई है आप उसको बार बार बटन से नहीं प्रेस कर सकते तो एक और लाइट आ चुकी है जो कि रिमोट से चलती है इसमें क्या है जी साइज बड़ा है बहुत टाइप की चार्जर इसके साथ अवेलेबल है इसकी केबल साथ अवेलेबल है और इसका रिमोट अवेलेबल है अब होगा क्या आप इसको बटन से भी ऑन कर सकते हैं देख रहे हैं इसमें लाइट कितनी ब्राइट वाइट लाइट इसमें बहुत ज्यादा है इसमें भी 32 हैं और 7 हैं। और मजे की बात इसको बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं आप और इसके रिमोट से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं ये देखें जी रिमोट पे तीन बटन दिए गए एक बटन है रीसेट मोड का के हमेशा वाइट मोड पे चला जाएगा स्टार्टिंग पे चला देगा एक मोड है कि उसको फ्लैशर कराता रहेगा बस और एक मोड है कि आपको इसको सारे कलर्स आप इसके इससे चेंज कर सकते हैं बहुत जबरदस्त चीज़ है इसकी लाइट और इसकी क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है ये मेरे भाइयों को सोलह सौ रुपए में मिलेगा इसको यहीं से आप ऑफ और यहीं से आप ऑन कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस पे आप इसको ऑफ कर सकते हैं और लॉन्ग प्रेस पे आप इसको ऑन कर सकते हैं बहुत जबरदस्त चीज़ है और सोलह सौ रुपये इसकी प्राइस है इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक और डिवाइस जो कि सिगरेट लाइटर है जो कि पहले भी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे चुका हूँ इसका मैं आपको बैटरी पे लगा के भी इसका डेमो दे देता हूँ बहुत जबरदस्त चीज है बाइकर्स यूज करते हैं ये हमारे फैसल भाई भी यूज करें अपनी बाइक पे जी जी ड्यूरिंग इनको जरूरत पड़ती है चार्जर्स की तो ये देखें जी आपकी बैटरी के वोल्टेज बता रहा है आपको ठीक है और इस के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि जी अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपने इस बटन को प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद जब आप थोड़ी देर बाद इसको बाहर निकाल लेंगे तो रेड हॉट होगा आप इसे सिगरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली भी आ जाता है आप अपनी मर्जी से भी निकाल सकते हैं ये देखें जी ये रेड हॉट है स्मोक निकल रहा है इसमें से इसका मतलब आप इसको इससे अपनी सिगरेट लाइट कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बड़ी हैंडी आती है और आप इन्फ्लेटर्स वगैरह ड्रोन चार्जर्स हो गए गाड़ी के चार्जर्स हो गए टाइप सी चार्जर है आपके पास कोई फास्ट चार्जर है आप उसके अंदर प्लग करके नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं आप वैसे इसके अंदर टू पॉइंट वन पेयर के दो चार्जर्स अवेलेबल है और फ्यूज़ दिया गया फ्यूज़ क्यों दिया, फ्यूज दिया गया कि जी खुदा ना खासा टाइम कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्टेज होती है बाइक के अंदर चीज़ ख़राब हो जाती है ये फ्यूज़ आपकी चीज़ को इस चार्जर को ख़राब नहीं होने देगा फ्यूज़ खुद उड़ देगा और आपकी बाइक के इस चार्जर को खराब नहीं होता है दस रुपए का, का फ्यूज, फ्यूज मिलता है मार्केट से आपने इसको दोबारा से रिप्लेस कर देना आपका चार्जर दोबारा नया हो जाएगा बेहतरीन आइटम है इसकी प्राइस दो हजार रुपए है और इसके साथ मेटल माउंट्स और क्लिप्स इसके सारे आते हैं जिसकी बेस पे आप इसको फिट कर सकते हैं बाइक पे फिर हमारे पास आ जाता है जी साइड मिरर का फिर से एक बड़ी जबरदस्त चीज है साइड मिरर्स के लिए कि बारिश होती है तो हमारे बाइकर्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके शीशे समझी हो जाते हैं और उनके रेन ड्रॉप्स आ जाते हैं उनके ऊपर फिर विजिबिलिटी का बड़ा इशू आता है बार बार साफ करके चलना पड़ता है तो ये हमारे पास एंटी फॉग एंटी रेन स्टिकर्स आ चुके हैं जो कि आप अपने साइड मिरर्स के ऊपर लगाएं। फ्री साइज़ हैं ताकि आप इसकी कटिंग करके अपने साइड मिरर पर लगा सकें जिस तरह के भी आपके साइड मिरर्स हैं और ये काफ़ी इसका एरिया कवर करते हैं अगर मैं आपको साइड मिरर पर रख के दिखाऊं, तो ये देखें जी आपके साइड मिरर से बड़े हैं इनफैक्ट आपने क्या करना है इसके ऊपर रख के इसको ड्रॉ करके अपने कटिंग कर लेनी है इसकी उसके बाद आपने इसको साइड मिरर पर लगा देना है ये ना आपके साइड मेरे पर देगा ना रेन इसके ऊपर अच्छा, खड़े होने देगा कोई अगर आए आए आपके पास क्या, खुद बाइक लेकर के जी आप ये कटिंग करके फिट कर हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा इन जो भाई आएंगे उनको मैं अपने हाथों से लगा के दूंगा फ्री ऑफ चार्ज जबरदस्त और ये इसकी प्राइस थ्री फिफ्टी रुपीज सिर्फ इस सेट की प्राइस बड़ी ही बेहतरीन चीज है इसके साथ वाइफ ये गए हैं कि अपने शीशों को अच्छे से साफ करके उसके ऊपर आप लगा सकें

दोबारा बैक इन स्टॉक है किसी भाई को चाहिए हो तो स्क्रीन शॉट भेजें मुझे और इसको वेल कर ले फिर गायब हो जाए <laughs> उसके बाद हमारे पास बड़ा प्यारा एक सेट है अभी फैसल भाई भी मेरे मेरी बड़ी मजदूर वीडियो से पहले मेरे से डिस्कस कर रहे थे चीज़ें कि मुझे ना इंटरटेनमेंट सिस्टम चाहिए हेलमेट के लिए तो मैंने उनको भी ये डिवाइस दी है इनशाला देंगे इसका कि कैसा है ये एक ब्लूटूथ हेडसेट है जो कि आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपके हेलमेट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है इससे क्या है जी कि आप कॉल अटेंड कर सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं ठीक है आपका जिस तरह एक नॉर्मल है, वा, के साथ प्राइस फिफ्टी फाइव हंड्रेड हमने रखी हुई है ये लिमिटेड स्टॉक है अब देखें आगे मुल्की हालात के हिसाब से क्या बनता है इसका लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि जो रेट चीजें पुराने रेट पे मिल रही हैं उनको इंशाल्लाह पुराने रेट पे अवेलेबल कराया जाए ये बड़ा जबरदस्त सेट है ये आपको मिल जाएगा इसके बाद हमारे पास एक और बड़ी प्यारी चीज है जिसको कहते हैं जी ब्लूटूथ इंटरकॉम हेडसेट इंटरकॉम और सादे ब्लूटूथ में ये फर्क होता है कि सादे ब्लूटूथ में आप कॉल्स और म्यूजिक तो सुन सकते हैं इंटरकॉम में आप अगर किसी और भाई के पास ये डिवाइस भी अवेलेबल है ना इनके अगर आप तो ग्रुप, में ग्रुप में जा रहे हैं ग्रुप में जा रहे हैं आप लोग छः राइडर्स हैं तो आप आपस में कनेक्ट करके आपस में एक किलोमीटर तक बात कर सकते हैं पूरा स्पीकर सेट इसके साथ है और ये डिवाइस की रेंज वन किलोमीटर है एक किलोमीटर तक छः भाई आपस में बात कर सकते हैं जिनके पास ये डिवाइस होगी ठीक है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है और अगर आप टोर पे नहीं है तो इसको नॉर्मली एज ए कॉल और म्यूजिक uh, के तौर पे ब्लूटूथ भी यूज करते हैं एज ए ब्लूटूथ भी यूज कर, कर सकते हैं इसको बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है इसके बाद रोड विजिबिलिटी का जो पॉइंट चलता है ना उस हवाले से हमारे पास डी आर एल लाइट्स आई हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की इनका मैं डेमो आपको देता हूँ ये मेरी अपनी जी एस टी भी लगी हुई है वापसी में फैसल भाई को कहूँगा कि उसकी भी वीडियोज आपको दिखाएं ये पेयर ऑफ टू में आती है हमारे पास ठीक है डबल टेप इसके साथ है और इसमें आपको फंक्शन में दिखाता हूँ इंशाल्लाह आपको बड़ी प्यारी लगेगी लाइट बहुत ज़बरदस्त है मुझे खुद बड़ी पसंद है ये लाइट इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जी हमारे पास एक वर्किंग डी आर एल आ जाती है वाइट कलर में जब भी कोई लाइट जलाने लगते हैं आप तो हम आ, आ, जो अपनी लाइट है हमारी ये बेबी लाइट है कैमरे के साथ वो हम ऑफ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर डेमो मैं दोबारा आपको डेमो देता हूँ जब आप पार्किंग ऑन करेंगे तो ये इस तरह ब्लेस करती हुई ये फुल लाइट आपकी बन जाएगी और मजे की बात जब आप इंडिकेटर देंगे तो इसके अंदर इंडिकेटर की ऑप्शन भी अवेलेबल है इसका इंडिकेटर आपने देखना बहुत मजेदार किस्म का इंडिकेटर है बड़ा ब्राइट और आपकी रोज रोड विजिबिलिटी को इन, इन्हांस करता है ताकि आपको पता हो आपके अवेयर अबाउट्स के लोगों को भी पता हो कि आप टर्न सिग्नल लगाया आप मुडे हैं अमूमन इशारे लोग नहीं देखते तो ये इशारा लोग देखेंगे बल्कि आपसे पूछेंगे भी कि ये इशारा आपने कहा से लिया है बहुत जबरदस्त लाइट है इसकी प्राइस हमने रखी है अठारह सौ रुपए मार्केट में इसकी प्राइस 2400, 2500, 2600 चल रही है लेकिन हमारी कोशिश पहले यही होती है प्राइम हमारी कोशिश होती है कि भाइयों को अच्छे से अच्छा रेट दिया जाए और मुनासिब और मुनासिब रेट पे काम किया जाए अब छोटी लाइट तो आपने देख ली अब अक्सर हमारे भाई हज़ार आते हैं जिनके पास जे बॉक्स लगा हुआ है और वो कहते हैं हमें बड़ी लाइट्स हैं ये रेयर एंड के लिए तो ये देखें जी बड़ी लाइट्स आ चुकी हैं और इसका जब आप डेमो देखेंगे तो आप मज़ीद खुश होंगे इसमें बहुत फीचर्स हैं बहुत मजे की चीज़ है ये इसका मैं डेमो आपको देता हूँ ले जी जब आप इसको फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो इसके अंदर आपको पार्किंग वाइट लाइट मिल जाएगी फिर आप इसको करेंगे ना ब्रेक पर अगर आप कहते हैं कि जी मुझे ब्रेक पर भी फंक्शन चाहिए ब्रेक पर भी मेरी विजिबिलिटी इन्हांस इन हो तो आप ब्रेक के ऊपर ये सॉरी ब्रेक के ऊपर ये क्या करेगी लाइट ये ब्रेक के ऊपर फ्लैश करेगी बहुत ज़बरदस्त फ्लैश है इसका फिर उसके बाद आप कहते हैं जी इंडिकेटर्स भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड हो तो इंडिकेटर आपने देखना जी ये आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है ये आपका राइट साइड का इंडिकेटर है दोनों एक ही लाइन में चलते हैं बहुं और बहुं जब आप हैजर्ड लाइट अक्सर हमारे बाइकर्स के पास अवेलेबल होती है।, है हैजर्ड पसंद करते हैं बाइकर्स तो जब हैजर्ड आप चलाएंगे तो ये देखें जी ये हैजर्ड का फेक्ट भी देता है कमाल ये बहुत जबरदस्त चीज है ये आपको दो हजार रुपए में मिलेगी ये पेयर है लाइट्स का और इसकी किट होती है पूरी इसको आप बाइक के अंदर लगा सकते हैं तसली के साथ लंबी इसकी वायर्स हैं जहां मर्जी आप इसका कनेक्शन करें बहुत जबरदस्त है गाड़ियों के लिए बाइक्स के लिए रोड विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है ले जी फैसल भैया आज का हमारा टूर पूरा हो चुका है जी नाजीन ये था जी आज का रिव्यू आज की जो न्यू गैजेट्स इनके पास आए हैं उसका उनका रिव्यू उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो पसंद आएगी वो पसंद आए लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें कोई और चीज आपसे आपको चाहिए तो उसको भी कमेंट करें अगर इनके पास अवेलेबल होगी या कहीं और होगी तो उसका भी हम रिव्यू आप तक जरूर पहुंचाएंगे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज